Marine Drive is a 3.6-kilometer long boulevard in South Mumbai in the city of Mumbai. It is a C-shaped 6-lane concrete road along the coast, which is a natural bay. The road links Nariman Point to Babulnath and Malabar Hill. Marine Drive is situated over reclaimed land facing west-southwest. A promenade lies parallel to this road. Marine Drive is also known as the Queen's Necklace because if viewed at night from an elevated point anywhere along the drive, the street lights resemble a string of pearls in necklace. The nearby stations are Marine Lines and Cherney Road. बचपन से मरीन ड्राइव को ऐसे ही देखा है कि कुछ बदलाव आया है इसमें? अभी आप ये बेचते हो तो कोई कुछ कहता नहीं है? पकड़ने आया था, पुलिस आता ही। पुलिस पकड़ने आती है तो आप क्या बोलते हो फिर? फाइन देना पड़ता है? आप किधर रहते हो? ये यहाँ पे जो झाड़ के पास सब है वहीं रहते। तो आप लोग कहाँ से एग्जैक्टली कहाँ से आए हो? जो वहाँ रहते गाँव आपका? सोलापुर। सोलापुर से? तो ऐसा क्या हुआ कि सोलापुर से आप लोग इधर ही आके काम कर रहे हैं? हमारे माँ बाप तो बचपन से इधर ही थे। अच्छा, इधर आप लोग यहीं रहते हैं तो आप लोग सब यही सब काम करते हो? कोई दूसरा काम करने का सोचा नहीं? कुछ सीखने का ऐसा, स्कूल जाने का? आपका दिन का कमाई कितना रहता है? दिन में कहाँ, अभी तो शाम में ही धंधा होता है, 200-250 होता है दिन का। 200-250 शाम में जैसे भीड़ बढ़ती है तो वैसे ही धंधा होता है। तो ये सारी चीज़ें आप कहाँ से लाते हो? मनीष मार्केट। अच्छा, सुबह के 7 बजे से 11 बजे, दोपहर के 11 बजे तक। हाँ, फिर 3 बजे के बाद 7 बजे तक, ये सब दो शिफ्ट करते हैं। तो कितना पगार मिलता है उसको? उसमें क्या 100-100 रुपया है एक दिन का? ये एक शिफ्ट का
एक शिफ्ट का जितने काम करने वाले हम लोग साथ में रहते हैं। फिर आप घर चले? नहीं घर हमको कहाँ घर है, हमको घर नहीं, यहाँ रहते हैं। तो आपका नहाना ये सब? हाँ। अच्छा जो पब्लिक टॉयलेट है वहाँ पे, और खाना पीना? खाना पीना होटल से। और मैं ड्राइवर हूँ गाड़ी का। हाँ। मेरे को 400 रुपया पर डे रोज का। अच्छा, और आपकी फैमिली वैमिली सब इधर ही रहती है? तो नहीं नहीं हम लोग को यहाँ पर रहते हैं, जैसे इन लोग जो काम करने वाले, जो इन लोग का 24 घंटा काम है, तो ये लोग यहीं रहते हैं। इनका खाना बंधा हुआ है महीने का, जो भी है ये लोग खाना लाते हैं, अपना पार्सल खा लेते हैं। अच्छा अच्छा, इधर से कोई ये लोग जो रह रहे हैं इनको हटाता नहीं है पुलिस वगैरह? इन लोग को पुलिस नहीं हटाती है, वो काम ये लोग पहले वहाँ पर इनका झोपड़ा था बाइकर का। अच्छा अच्छा, उधर तो ये लोग गंदगी करने की वजह से इनको वहाँ से हटा दिया गया, वहाँ दो पुलिस लगा दिया गया। मिलती है 10-12 हज़ार महीने की। तो नोटबंदी से क्या असर पड़ा आप पर? जी हाँ, नहीं पड़ा मुझे, कुछ भी नहीं पड़ा। तो आपके स्टॉल है यहाँ पे? ये बादशाह पानी के, ये सब आपके हैं? ये सब लाइसेंस वाले हैं? आपको भाड़ा देना पड़ता है पुलिस वालों को? हफ्ता जाता है। हफ्ता जाता है? कितना मांगते हैं वो लोग हफ्ता? ये पता नहीं, सेठ लोग ही जाने ना मैडम, यहाँ के कार्यकर्ता वही लोग हैं ना सेठ लोग। हाँ। क्या हुआ? तो नोटबंदी से कुछ असर पड़ा है कि नहीं पड़ा? नोटबंदी से असर थोड़ा तो पड़े, सब पे ही पड़ा, सब पर आपको ऐसे लगता है कि हमें आपको ज़्यादा असर पड़ा? जिनके पास असलियत में काला धन है उन पर असर नहीं पड़ा इसका? जहाँ पढ़ना चाहिए था वहाँ पर नहीं पड़ा? जहाँ पढ़ना चाहिए था वहाँ पर नहीं पड़ा है, लेकिन यार जो बिजनेस धंधे वाले छोटे मोटे धंधे वाले वो सब ठंडा पड़ गया, तो अब तक ट्रैक पे नहीं आया ना? नहीं आ रहा है। आप लोग को पगार आने में देरी हुआ होगा ऐसे कुछ? नहीं, अभी जैसा अभी तो एकदम ऑफ सीजन है, तो अभी तो पगार का कोई सवाल ही नहीं होता। अच्छा, क्या हो गया? तो कौन से टाइम पे ज़्यादा लोग होते हैं? अभी छुट्टी उट्टी पड़ेंगी तो थोड़ा रश रहेगा, ज़्यादा रश रहेगा, फिर बारिश में फिर ठंडा हो जाएगा। आप कॉलेज की तरफ से 5 मिनट बात कर सकते हैं? बोलो क्या हुआ? यहाँ पे जो इलीगल स्टॉल्स वगैरह हैं उसके बारे में थोड़ा पूछना था। हाँ, तो पूछना था कि ये लोग का मतलब लाइसेंस है कि नहीं? लाइसेंस है महानगर पालिका का, उन लोग का लाइसेंस। अच्छा, और जो इलीगल लोग काम करते हैं यहाँ पे, तो उनको आप लोग कैसे रोकते हैं? कौन से लोग? जो लोग फेरी कर रहे हैं इधर, वो चार्ज मारते हैं, उसको ऑफर का चार्ज है। कितना चार्ज है? 12.5 रुपये, 12 में 10 रुपये चार्ज होगा।